एक मानसिक बीमारी होती है जिसको हम स्किजो ऑब्सेसिव बोलते हैं, जिसमें स्किजोफ्रेनिया और ऑब्सेशन ये दोनों के लक्षण एक साथ में रहते हैं वो बीमारी में। तो उसके बारे में मैं आपसे आज जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई यह हमारे हॉस्पिटल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा मिशन है। एक लड़का मध्य प्रदेश से मेरे पास में आया, उम्र करीब करीब 24-25 साल की है और वो खुद अपने माँ को लेके आया और वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे बदन में ऐसी बाहरी कोई शक्ति है, वो कुछ ना कुछ अंदर डालती है, वो आँखों के पीछे कुछ तो भी डाल देंगी, सीने में कुछ डाल देंगी, पेट में कोई डाल देंगे, अलग अलग बॉडी के हिस्से में डाल देती है वो इम्प्लान करती रहती है और फिर मुझे बहुत उससे घबराहट होती है, वो जगह पे बहुत दर्द होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी ये ऐसी चीज़ें अंदर डाल के मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसको कब निकालूँ कब नहीं, फिर मैं उसके लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाना कुछ करूँगा या फिर हाथ धोऊँगा पैर धोऊँगा और बाद में फिर वो निकल जाएंगे। जब उसको ये पूछा कि भाई वो सच है क्या, मगर ऐसा होता है क्या एक्चुअली, बोले मुझे ऐसा डाउट है कि वो ऐसा कुछ है कि नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये विचार बार बार आते रहता है कि वो आदमी जो है वो बाहरी शक्ति है, कुछ तो भी ऐसी स्ट्रांग पावर है कि वो पावर मेरे अंदर कुछ ना कुछ डालती रहती है और वो विचार बार बार आते रहते। फिर दिमाग ऐसा बहुत भारी हो जाता है और फिर जहाँ भी वो चीज़ डाल देता है, अलग अलग बॉडी के हिस्से में डाल देता है, तो वो फिर वहाँ बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ये काफ़ी जगह जाके आए, लोगों ने काफ़ी उसका इलाज किया मगर उसको कोई आराम नहीं करके मेरे पास में आए। तो ऐसे काफ़ी लोग रहते हैं कि जो जिनको रिपीटेड थॉट्स है, बार बार वही विचार आते रहते हैं और विचार आने के कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको मालूम रहता है ओसीडी में क्या होता है, ओसीडी में उनको मालूम रहता है कि ये विचार मेरे ही विचार है, ये बार बार आते रहते, ये क्या था, ये बोलता भारी है, भारी कोई व्यक्ति मेरे को कंट्रोल कर रहा है, मैं श्योर नहीं कि वो व्यक्ति है कि नहीं, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब डाउटफुल है। तो ऐसे इसमें फिर स्किजोफ्रेनिया का एक कलर ये ओसीडी को लग जाता है और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे इसमें होता है। तो फिर ये जब बार 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 विचार आते तो फिर वो विचार जाने के लिए या विचार नहीं आने को होना या फिर उसने जो आदमी ने कुछ किया है, वो विचार जो आ रहा है कि वो आदमी ने कुछ किया, वो निकालने के लिए फिर हाथ धोएगा, हाथ हिलाएगा, कुछ तो भी खुजाएंगा जोर जोर से, वो हिलाएंगा वो बदन का हिस्सा ताकि वो जो अंदर डाला हुआ निकल जाएगा। मतलब आदमी कुछ ना कुछ उसमें कंपल्शन करता है, वो कंपल्शन करेगा। तो ओसीडी में होता क्या है, ओसीडी में उसको बार बार विचार आते, विचार इतने आते कि उसको बहुत तकलीफ होती और वो विचार नहीं आने को होना करके फिर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, उसको बोलते कंपल्शन। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जब ये बाहरी कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, बाहरी कोई व्यक्ति मेरे ऊपर कुछ तो भी लगा रहा है, अंदर डाल रहा है, ऐसा जब है तो ये डिल्यूजनल लेवल पे ये लड़के के दिमाग में था और करके उसको तकलीफ हो रही थी। उसको हमने हमारे हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसको मेडिसिन दिए और मेडिसिन से उसको काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा। और उसके साथ साथ फिर मैंने हिप्नोटिज्म किया, सम्मोहन उपचार, फिर उसको मैंने कुछ ऐसी तकनीकें बताई कि जिससे विचार आ गए तो थॉट स्टॉप टेक्निक उसको बोलते, थॉट स्टॉप टेक्निक, तो विचार कैसा स्टॉप करना वो उसको बताया। फिर उसको ये सिखाया कि विचार आने के बावजूद भी वो कैसा अपना काम कर सकता है। फिर उसको ये सिखाया कि थॉट वॉचिंग करना है और थॉट वॉचिंग से वो कैसा हो सकता है वो बताया। फिर उसको NLP का कोई टेक्निक जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके जो टेक्निक है बलून एक्सरसाइज करके, तो बलून एक्सरसाइज में वो बलून एक्सरसाइज उससे करवा के उसको ये बताया कि भाई तो कितना आइडियल व्यक्ति कैसा हो सकता है और जब आइडियल हो जाएगा, जब वे विचार नहीं रहेंगे तो वो कैसा दिखेगा, और वो व्यक्ति अभी बन रहा है ऐसी उसको कल्पना करके, वो एक बलून एक्सरसाइज है वो उसे करवाए, ऐसा करके उसको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया। बोले कि मैं बहुत ही रिलीफ मुझे भी मिला है। और ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति हैं कि जिनको है ना, मतलब कम से कम 100 में 1 व्यक्ति अभी इतना इसका प्रमाण बढ़ गया है ओसीडी का, 100 में 1 व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसको ऐसे एक तो विचार आ रहे हैं और नहीं तो फिर विचारों को निकालने के वो कंपल्शन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। लोग बाहर बोलते नहीं है मगर बहुत तकलीफ है लोगों को अंदर, इसके ऊपर इलाज है और वो अच्छा जीवन जी सकता है। तो ये वीडियो आप देखते ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को और
बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।